नहीं मैक्सिमम रेंज आप ऐसे नहीं बोल सकते, बीटा भी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो दो दो जगह बीटा है। आप डायरेक्टली इसमें नहीं बोल पाएंगे, इस तरीके से आपको थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा। बताइए 2 sin A cos B की वैल्यू कितनी है, और बीटा क्या है? अल्फा वेरिएबल है, बीटा तो आपका फिक्स है, इंक्लाइन प्लेन जैसा है वो तो वैसा ही रहा, आप किस एंगल पर उसको प्रोजेक्ट करते हैं कि मैक्सिमम हो जाए, तो अल्फा वेरिएबल है आपका, ठीक है ना? और आपका ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऐसे डायरेक्टली देख के आप नहीं बोल सकते हैं कि कब मैक्सिमम होगी। बीटा फिक्स है बेटा, ध्यान रखिए, इंक्लाइन प्लेन जैसा था वैसा रहा, आपको किस एंगल पर फेंके कि यहाँ पर सबसे दूर जाके स्ट्राइक करें, तो आपका यहाँ पर अल्फा बढ़ाओगे तो ये तो बढ़ जाएगा बट ये घट जाएगा, ठीक है ना? अल्फा को कम करोगे तो ये बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा, तो कैसे देखें? तो इसलिए आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हुए। 2 sin A cos B का फार्मूला क्या होता है? 2 sin A cos B होता है आपका sin A+B +sin A-B, यही होता है क्या आपका 2 sin A cos B? sin A+B प्लस साइन ए, अभी नहीं पढ़ा आपने फार्मूला? बड़ी अरे ये याद रखो, तो आप ध्यान रखो, आप ऐसे याद करोगे 2 sin A cos B क्या होता है, sin A+B +sin A-B, तो ये रेंज कितनी निकल के आ गई आपकी, रेंज OB निकल के आ गई आपकी U² इंटू 2 sin A cos B sin A+B sin 2 α - β sin 2 α - β +sin A-B, तो आप मतलब तो -sin β आ जाएगा, sin -β आएगा तो -sin β हो जाता है, ठीक है? अपॉन g cos²β इस तरीके से आएगा आपका, ठीक है ना? ये आपका ए बी हो गया ना, तो a+b करोगे तो क्या गया 2 α - β, a-b करोगे तो -β आता, sin -β कितना होता है -sin β, तो ये रेंज का फार्मूला है। अब आपके पास अल्फा एक ही जगह है बस, और कहीं नहीं है वेरिएबल, और इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है sin 2 α - β की, आप यहाँ लिख सकते हैं। अब इसमें रेंज का मैक्सिमम, इसमें याद कुछ नहीं करना है बेटा, बिल्कुल याद नहीं करना है, कोई मतलब नहीं है, निकालना आना चाहिए, प्रोसेस जो मैंने बताई वो इम्पोर्टेंट है, याद करने का एकदम बिल्कुल फायदा नहीं होगा। बायो वाले बच्चों को याद कराया जाता है, मेडिकल वालों को, क्योंकि उनके सेम सेम क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है? बट आपके केस में इसको याद करना बिल्कुल मीनिंग लेंस है कि आप कोई एक्सप्रेशन याद कर लें, इसमें से कुछ भी हो सकता है। अपन ने अल्फा यहाँ पर ओरिजिनल से लिया है, वो यहाँ से कर सकता है, ठीक है? तो बिल्कुल भी याद नहीं करेंगे, इस प्रोसेस को सीखने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से कंपोनेंट करके अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग चल दिया जाता है, इस प्रोसेस को सीखना है आपको। तो रेंज विल, हाँ बताओ कुछ कह रहे हैं बेटा? sin-β आया ना, sin-θ कितना होता है, ये तो याद होना चाहिए सब में आपको भी, sin-θ है ना, sin 2 α - β। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब sin 2 α - β की वैल्यू 1 हो जाए, मतलब 2 α - β π/2 हो जाए, तो अल्फा कितना आ जाएगा, π/4 +β/2 पर प्रोजेक्ट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी, ठीक है? और मैक्सिमम रेंज की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें 1 डाल दीजिए, तो आपकी रेंज जो मैक्सिमम आने वाली है वो आपको मैंने किस अल्फा पे आएगी वो बता दिया, यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं कितनी मैक्सिमम रेंज तक किसी पर्टिकुलर फिक्स स्पीड अगर यू रख रहे हैं तो आप इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये आपकी मैक्सिमम रेंज आ गई, ठीक है? अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि उस इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करे तो उसके लिए अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन होना चाहिए, ये भी मैं आपको करा देता हूँ कि उस पर इंक्लाइन प्लेन